हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमें एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये देखिए, कनेर की फ्लावरिंग कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। और चलिए, मेन टॉपिक पे आने के पहले हम अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आज हम बात करने वाले हैं इस कनेर प्लांट के लिए। तो इसकी आप हाइट देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त इसकी हाइट है। आप देखें, मैंने एक रस्सी के सहारे से इसको बांध कर रखा है और इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है इसमें कि मैं अनुमान नहीं लगा सकती थी कि हमारा ये प्लांट इतना अच्छा हो जाएगा। और देखिए, मैंने अभी इसको जो है एक स्टिक के सहारे से बांध दिया है। तो इसके हर ब्रांच में देखें आप कितनी घनी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, अब इसका सीज़न भी है। हर एक टहनी में ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है हर एक टहनी में, इतनी ज़्यादा और बहुत ही हाइट पकड़ ली है इसकी, जबकि हमने कटिंग भी किया था। आप देख सकते हैं, ये देखिए, बहुत हार्ड कटिंग किया था। ये देखें तो ये ब्रांचेस यहाँ से निकली हैं इसकी, ये देखिए यहाँ से निकल कर आई हैं ये ब्रांचेस, और बहुत ही घना प्लांट हो गया है। और इसकी कटिंग भी लग जाती है, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए। हर एक टहनी पे जो इसकी फ्लावरिंग इतनी फुल ब्लूमिंग पे है ये प्लांट हमारा, तो विंटर सीजन में तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग थी विंटर सीजन के प्लांट थे। और अब जो ये समर के प्लांट हैं वो भी अपनी फुल ब्लूमिंग पे हैं, आप देख सकते हैं। और ये इधर इसी में देखिए ना, कितने प्लांट लगे हुए हैं इसी एक छोटे से प्लांटर में, कनेर का प्लांट। और ये देखिए आप, बोमफेरना, और इधर ये लगी हुई है मास रोज, अपनी बिल्कुल ऐसे फैल रही है। ये देखें, अभी इसको हम कटिंग करके दूसरे प्लांट में शिफ्ट करेंगे। ये देखें आप, ये देखें, और बहुत ही अच्छा प्लांट है। आज हम ये वीडियो जो आपके सामने दिखा रहे हैं, तो इसको अपने बालकनी गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और ये इसी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लगा देते हैं तो बहुत जल्दी लग जाती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास दो कलर के फ्लावर्स हैं इसके, कनेर के, आप देख सकते हैं। ये देखें, गुच्छों में फूल हैं इसके, और ये तो पिंक कलर है और दूसरा मेरे पास वाइट कलर का। देखिए ये कलियाँ, देखें कितनी सुंदर लग रही हैं, ये देखें। और दूसरा प्लांट हमारा ये है, ये देखें, इसमें भी कलियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसकी भी हमने बहुत कटिंग कर दी थी, ये देखिए, बहुत डार्क कटिंग करी थी इसकी, ये देखिए। तो अभी नई नई ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये भी बहुत बुशी प्लांट हो गया है बट अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आई हुई है। जैसे ही इसकी फ्लावरिंग होगी मैं आपको ये वीडियो शेयर करूँगी। और इधर ये हमारा एक कनेर, ये दूसरा है येलो कलर का, ये देखें, तो इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं और इसकी भी कटिंग हमने की थी, बहुत ही डार्क कटिंग की थी। देखिए इसकी कुछ पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, और इसकी रूट बाउंड हुई थी तो मैंने जो है ये जो ड्रम लगा हुआ है वो हटा करके इसमें जो है शिफ्ट कर दिया इस ड्रम में, तो ये अच्छा सर्वाइव कर रहा है। और इसी देखिए कुछ पत्तियां पीली पड़ गई हैं, सो मैं हटाती हूँ इनको ताकि हमारे प्लांट को जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। और आप सब भी, अगर आपके पास कोई भी प्लांट है तो जब भी पीली पत्तियाँ हो जाती हैं तो आप जो है हटा सकते हैं, उन्हें हटा देना चाहिए। ये देखें,
ओके बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, यहीं विराम देते हैं।